कलेक्ट्रेट में आयोजित राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी विनीत कुमार ने कई निर्देश दिए। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने भयमुक्त, निष्पक्ष सरकारी मशीनरी पर रोक, फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई। मतदान स्थल से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के कार्यक्रम प्रचार संबंधी गतिविधियों पर रोक रहेगी। जुलूस के लिए 20 नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के दौरान नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 प्रारूपों में राजनीतिक दलों पर नजर रखने के लिए प्रारूप सी के विभिन्न नियमों का राजनीतिक दल पालन करेंगे। 50 फीसदी क्षमता के साथ इंडोर बैठक की अनुमति मिलेगी। 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार की पद यात्रा, जुलूस और सभा में रोक रहेगी। साथ ही कोविड के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। सारे हमारे जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या फिर हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज हमने उनको बैठक के लिए बुलाया था और इस बैठक में ये हमारी दूसरी बैठक है। एक बैठक हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स होने के बाद में एक बैठक कर चुके हैं और आज हमने इनके साथ सेकेंड बैठक करी है। सेकेंड बैठक में आज हमने जो इनको बताया, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला अगर कोई कैंडिडेट पार्टी खड़ा करती है कोई, या कैंडिडेट कोई खड़ा होता है, तो उसको काफ़ी सारे जो है वो कंप्लायंसेज या फॉर्म्स जो है वो भर के देने होते हैं। तो उसी संबंध में आज इनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनको जो एडवर्टीजमेंट या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करना होगा वो 3 चरण में उनको करना होता है। तो वो 3 चरण कब कब होते हैं और कितने कितने उनको वो पब्लिश करने हैं, नेशनल न्यूज़पेपर की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर या फिर हमारे जो मीडिया है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सभी के संबंध में उनको यहाँ पे जानकारी दी है। इसके साथ साथ ही जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, दोबारा पहले भी एक बार हम लोग इनकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं, दोबारा इनको आज यहाँ पे विस्तार में इनकी हमने ट्रेनिंग करवाई है। साथ साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिसेंट डायरेक्शंस है कोविड को लेके, उसके संबंध में भी आज यहाँ पे जानकारी दी गई है। और जैसे कल यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस आए थे कि अब जो पहले जो रैलीज पे प्रतिबंध जो 15 जनवरी तक था, अब उसको बढ़ा के 22 जनवरी कर दिया गया है। एक उन्होंने जो चेंज किया था उसके संबंध में भी यहाँ पे बता दिया है कि अब वो मीटिंग वगैरह अगर वो करते हैं तो मैक्सिमम 300 लोगों की हम लोग परमिशन दे सकते हैं, या फिर जो हमारे हॉल की जो कैपेसिटी है उसका 50% तक हम लोग इसकी परमिशन दे सकते हैं। तो इसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। साथ साथ में हमारा जो MCMC कमेटी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स को कि अगर वो किसी भी प्रचार प्रसार की अगर सामग्री कहीं पे प्रिंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो एक बार उसका प्री सर्टिफिकेशन हमारी MCMC जो कमेटी है उनसे जरूर करवा लें। राजनीतिक दलों को आचार संहिता का भी पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आयोग के मानकों का पालन करने की अपील की। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आप, लोक जनशक्ति, बसपा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंजाब केसरी TV के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।